मैंने जैसे बताया, दो दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। जीवन में त्याग करो इतना कहते गया, शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री। ऐसे पापी लोगों को जाने का हमारी मांग थी, दिल्ली की जनता को छुटकारा मिलना चाहिए। दुर्नीति विरोधी आंदोलन दुर्नीतिर सौदागर, कट्टर ईमानदार बनाम भयंकर भ्रष्टाचार। मेरे साथ में अरविंद केजरीवाल जब था, मैं कई सालों से उसको कह रहा था, चरित्र को संभालो, आचार शुद्ध रखो, विचार शुद्ध रखो, जीवन निष्कलंक रखो, जीवन में त्याग करो, इतना कहते गया, लेकिन शराब में पैसा मिलता है तो नशे में डूब गया। दिल्ली रो राजगादीरु मद नीति खेल, सुप्रीम सर्त भाईदला आप मुखियांको छाड़ो। देखिए, इस देश में किसी मुख्यमंत्री का ऐसा इतिहास नहीं दिखेगा आपको कि उस मुख्यमंत्री को जबरदस्ती कोर्ट जैसे होता है ना, कि डंडे से रगड़ के कुर्सी से हटाई हो। छवि सुधारिबा को केजरीवाल खेलिले टीम का इस्तीफा घोषणा करी काठो गंढे सरकार चलाइबा को प्रयास। जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया, दो दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। संसदीय निर्वाचन रे दिल्लीवासी धराई थिले रिपोर्ट का गोटिए भी सीट जीतिबा को सक्षम होइ नथिला। दुर्नीति विरोधी आंदोलन रु दुर्नीति रो सौदागर, मुख्यमंत्री पद छाड़िबा नै दिल्ली मुख्यमंत्री को घोषणा ओ परे दल तरफ रु विधिवत घोषणा परे यहा कु नै सरगरम होइ पड़िछि जातीय राजनीति। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया, ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। मंगलवार दिल्ली रो अटॉर्नी जनरल को भेटी इस्तीफा पत्र प्रदान करिवे केजरीवाल, हेले सुप्रीम कोर्ट रो जामिन रे आसीबा परे काहे की एते बड़ निष्पत्ति नेले आप मुखिया। यहा कु नै आरंभ होई जाय छी अनेक कल्पना जल्पना। बीजेपी कहि छी दुर्नीति अभियोग रे 6 मास जेल रे रहिबा परे यहा केजरीवाल को इमेज रिब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, जनता को दुर्नीति विरोधी फेस देखाई निज राजनीति चमकाई थिबा केजरीवाल को यहा डैमेज कंट्रोल प्लान, एमिति लोक देखाणिया निष्पत्ति रे किछि फरक पड़िबनी बोली कहिछि बीजेपी। हेले आप को झटका देछि कांग्रेस, नाटक करूथिबा कहि केजरीवाल को सीधा निशाना बनाइछंती दिल्ली कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। आप रे गणतंत्र नहीं, केजरीवाल को व्यतीत दलरे केही नेता रहंती, तांक छवि मलिन पड़िबा परे से मुख्यमंत्री पदरु इस्तीफा देबार नाटक करुछंती। एबे तांक स्थान रे से दलर कोनोसी चाटुकार को ही बसाइबे जे आप मुखियांक दुर्नीति घोड़ाई पारुथिबो, करप्शन रो फाइल दबाई पारुथिबो कहि केजरीवाल को सीधा निशाना करिछि कांग्रेस। इस देश में संविधान का राज है, कानून का राज है, और संविधान कहता है कि अगर मुख्यमंत्री जेल जाते हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं की पार्टी का कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है ताकि प्रदेश चलता रहे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मामले में दिखता है कि उनका अपना ईगो बड़ा है, दिल्ली की समस्या या दिल्ली का दर्द उनके लिए बड़ा नहीं है। तो अभी जो नुकसान कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का, वो किसी इस्तीफे से पूरा नहीं होगा। पीछे चुनाव में आपको 20 दिन का बेल भी मिला तो भी आपको कंडीशनल मिला था, अब किसी से बात नहीं कर सकते, जितना कंडीशन है उसको देख करके किसी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति शर्म से गड़ जाए, इनको तो शर्म आती नहीं। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल है और बाकी माफ करिएगा, किसी को बुरा लगे ना लगे, बाकी सब घर के नौकर हैं, नौकर के अलावा कोई किसी की कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो इन्हें अपने नौकरों में चुनना है, और मैं नौकर उस सम्मान के हिसाब से नहीं कह रहा, क्योंकि जो भी काम करता है उसका सम्मान होता है, ये उसको बिल्कुल एक दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये इसको मानेंगे कि भाई अब कौन ऐसा व्यक्ति आएगा जो फाइलें दबा के रखे,
सूचनाएं बाहर ना जाने दे, जो हम लोग कमा रहे हैं, कमाई चल रही है, उसको सतत चलाता रहे, क्योंकि ये हस्ता का सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, ये एक बिजनेस कंपनी के शेयर्स का हस्तांतरण है। आम आदमी पार्टी बिजनेस कंपनी है, पैसा बनाने की कंपनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है। मद नीति घोटाला अभियोग रे केजरीवाल को प्रथमे ईडी और परे बांधिथिला सीबीआई। जमीन पाई अनेक थर दौड़ा पर जा केजरीवाल को सत्तमूलक जमीन प्रदान करिछंती सर्वोच्च अदालत। छटी शर्त केजरीवाल को जमीन मिली। केजरीवाल सीएमओ जापारे ना, कौन सरकारी फाइल रे दस्तखत करिवारो क्षमता ना, मामला सह जड़ित कौन सार्वजनीन बयान दे पारे ना, 10 लाख टंकार बेल बंड भरवे, तदंतरे बाधा सृष्टि करेनि कि साक्षी को प्रभावित करिवारो उद्यम करेनि, आवश्यक पड़े ट्रायल कोर्ट रे हाजर हेबे एवं तदंतरे सहयोग करेंगे। तेरे सर्वोच्च अदालत रखिथिबा प्रथम दुईट शर्त पर केजरीवाल पाखे इस्तफा देवा छड़ा अन्य बाट नथिला बोली विरोधी करिछंति टारगेट। अब इस बार जब बेल दिया इतना दिन बाद, तो चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड है ये, आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री। तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये जो फर्जीवाड़े का जो सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है ना, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। मगर कहते हैं ना कि चालाकियों का अंत होता है, अब चालाकियों का अंत हो चुका है। अब दिल्ली की जनता अपना भविष्य बनाना चाहती है, ये बच्चों को शराबी बनाना चाहते हैं। Well, Mr. Arvind Kejriwal today has realized that the people of Delhi look at him as a corrupt man. He was a wild card in Indian politics, but the wild card today has become a corruption card of Indian politics. In the last 170 plus days when he was in jail, his party people gave him the feedback that the people of Delhi are questioning him on the Sheesh Mahal, are questioning him as a corrupt man. Realizing all of this, and after the Supreme Court's order, he had no option but to quit. But you look at the irony, he does not have any faith in his own party leadership. This is why he imposes a temporary chief minister in Delhi as an Aam Aadmi Party candidate, which he might announce if he announces. Gotiye pote durniti to anya pote Kejriwal ko double face ku lokonko samna ku anithila cholito thararo Delhi re padithiba bhayankar garam. Aap amal re nara re simito thila developed Delhi. दिल्ली में घरे घरे पानी जोगाउथिबा नै आप सरकार दाबीर धजिया उडाई देथिला चलित थर दिल्ली में देखादेथिबा जल संकट पानी गराबाल्टी धरी जातीय राजधानी में लागिथिबा रेस केजरीवाल रियल फेस को लोकों सामने उजागर करिथिला। आगामी किछि मास परे दिल्ली में निर्वाचन होगाकु जाउथिबारु केजरीवाल एमिति नाटक रचि डैमेज कंट्रोल स्ट्राटेजी अपनाइथिबा विरोधी अभियोग अंतोगत्वा हमारी मांग थी कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, दिल्ली की जनता को राहत मिलनी चाहिए। आज दिल्ली त्राही त्राही मचा रही है, पीने का पानी नहीं है। 10 साल पहले आए थे हर नल में जल देंगे हम, ये इन्होंने 10 साल बाद पहले कहा था हम स्कूलों को ठीक करेंगे, इन्होंने कहा सड़कों को ठीक करेंगे। और बड़े बड़े घोटालेबाज जिन्होंने देश की दिल्ली की अर्थव्यवस्था को खत्म करने का काम किया है, जिन्होंने रेवेन्यू घटाया है, जिन्होंने भारत दिल्ली की संस्कृति संस्कारों का हनन किया है, ठीक है हम किसी का भी शासन रहो सभी नहीं ईद को गुरु पूर्णिमा पर नवरात्रों में होली पे दिवाली ठीक है बंद रखे, इन्होंने खोलने का काम किया। उम्र 25 साल से 21 साल की है, एक बोतल एक बच्चे के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का पाप किया है। इसलिए ऐसे पापी लोगों को जाने था हमारी मांग थी, दिल्ली की जनता को छुटकारा मिलना चाहिए। आना आंदोलन में शामिल हो दिल्ली सिंहासन जाए पहुंची केजरीवाल, सत्तार स्वादर बुड़ी पिंधि मिछ आम आदमी मुखा जार ए पर्दाफाश हो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु।